नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्म राइटर डायरेक्टर राज मिर्जा। दोस्तों, हमारी जो फिल्म अब आप देखने वाले हैं उस फिल्म का नाम है COVID-19 सैल्यूट टू आवर डॉक्टर्स एंड रिपोर्टर्स। दोस्तों, ये कहानी हमारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर आधारित है। मैं इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग आपकी और हमारी जिंदगी बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन नहीं कर रहे, हम लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की जिंदगी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये रोज मौत से लड़ रहे हैं। आइए एक बार इस फिल्म के माध्यम से जानते हैं इनकी जिंदगी। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, आखिर तुम बिजी कहाँ हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? मैं कब से मैं फोन कर रहा हूँ, कहाँ बिजी हो? अरे राज, अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई हूँ और फिर से हॉस्पिटल जाना है। तुम्हें पता है ना, कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हम डॉक्टर्स का फर्ज बनता है कि हम अपनी जान पर भी खेल के सभी पेशेंट्स की जान बचाएं। तुम मेरी फिक्र मत करो, डोंट वरी बाबा, और आई एम सो सॉरी मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाती हूँ। अरे यार, तो क्या सारा ठेका तुमने ले रखा है क्या कोरोना पेशेंट्स को सही करने के लिए? देखो, अपनी शादी होने वाली है यार, और अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम चाहते हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, अपना फर्ज भूल जाऊं, घर बैठ जाऊं? सॉरी राज, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं अरे यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, और अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो मुझे दूसरी बीवी कहां से मिलेगी? राज, तुम इतने हैंडसम हो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम किसी से भी शादी कर लेना, तुम्हें तो कोई भी ब्यूटीफुल लड़की मिल जाएगी। हेलो ओ मैडम, ये मरने की बात है ना, दोबारा बिल्कुल भी मत करना यार, मुझे जीना और मरना तुम्हारे साथ में है, प्लीज इस तरीके की बातें दोबारा मत करना। अपना ध्यान रखना मधु, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, ये वायरस बहुत खतरनाक है मधु, बहुत खतरनाक। हाँ डियर राज, मुझे पता है ये वायरस कितना खतरनाक है, मगर हमें गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोटेक्शन होते हैं वो दे रखे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं, हम सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। डोंट वरी, तुम भी अपना ख्याल रखना, लोगों तक सच्ची खबरें पहुंचे, इसके लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, कितनी अपनी जान जोखिम में डालते हो, मुझसे ज्यादा ये कोई नहीं जानता। ओके, तुम यही चाहते हो ना कि लोगों तक सच्ची खबरें पहुंचे, लोग अवेयर रहें। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर, मगर तुम भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम भी कोई कम जोखिम का काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम किस तरह से फील्ड में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, और कैसी कैसी खबरें कहां कहां से लेकर के आते हो। प्लीज, मुझसे ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम अपना ध्यान रखना, प्लीज सैनिटाइज करना हाथों को बार बार, मास्क लगाना एवरी टाइम, और गर्म पानी पीना जहां भी मौका मिले, प्लीज गर्म पानी पीना। राज, तुम अपना ध्यान जरूर रखना। अच्छा मधु, एक बात पूछनी थी। हाँ राज, पूछो ना। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुमसे प्यार नहीं कर रही होती तो तुमसे शादी क्यों कर रही होती? मधु देखो, मेरा काम ऐसा है, मुझे रिपोर्टिंग के लिए पूरे दिन फील्ड में रहना पड़ता है, और तुम्हें तो मालूम है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता जा रहा है। आज इतने इलाके हैं जो कोरोना से पूरी तरीके से प्रभावित हैं, मुझे वहां पर भी जाना पड़ता है। देखो मधु, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो प्लीज ये नहीं कि मेरी यादों में रोने लग जाओ, बस इतना करना कि तुम किसी और से शादी कर लेना, ठीक है? बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ओके बाय। राज, हम डॉक्टर्स ने कोरोना से लड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो क्या आप लोग हमारे लिए अपने घरों में नहीं बैठ सकते? मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घरों में रहिए। आपको पता भी है हम डॉक्टर्स की क्या हालत है,
मेरी शादी होने वाली थी राज से सिर्फ एक महीने बाद, लेकिन उसने भी अपना जीवन कुर्बान कर दिया आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए। जब उसे कोरोना हो गया, मैं अपने घर में आती हूँ तो अपने परिवार जनों से बात नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती, मुझे अलग रहना पड़ता है उससे। और हॉस्पिटल में आपको पता है क्या हालत हो रही है हम लोगों की, मरीजों की। प्लीज इस बीमारी को गौर से, गंभीरता से देखो। आपको इस बीमारी की गंभीरता का नहीं पता, किस तरह से ये बीमारी हमारे अपनों को हमसे अलग करती है। आप हिम्मत देखिए उन पुलिस कर्मियों की, आप हिम्मत देखिए उन डॉक्टर्स की, उन नर्सेस की, उन सफाई कर्मियों की, और वो जो जरूरी सामान पहुंचाने के लिए आपकी डोर तक आते हैं। मैं दाद देती हूँ उनको, वो लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहे। अरे आपको तो सिर्फ इतना ही करना है कि अपने घरों में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है और घर से बाहर नहीं निकलना। हम घर से बाहर निकल के उस दर्द को भोग रहे हैं, उस मौत को साक्षात देख रहे हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, इसी तरह से आप लॉकडाउन का पालन भी कर पाएंगे और इस कोरोना को हम बहुत जल्द जड़ से खत्म कर पाएंगे। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन आप अपना कोई ना खोए, इसलिए अपने घरों में रहें।